देखो, पॉपुलर बिलीफ ये कहता है कि पैसे और चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में खुशी लाता है, और कंपनीज और गवर्नमेंट दोनों ही सालों से यही बिलीफ हम सबको बेचते आ रहे हैं। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वर्क टू वर्क कंसेप्ट के नाते रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज्ड सिटी क्यों ना बने। पता है कौन हमारी खुशियों को मोटरसाइकिल पे बिठाता है? कौन हमेशा उन्हें बस 30 मिनट्स में हमारे घर पहुंचाता है? पता है? डोमिनोज 30 मिनट्स में खुशियों की होम डिलीवरी। वैसे काफी सारे लोगों को लगता है कि देश की इकोनॉमी, जीडीपी और डेवलपमेंट के बढ़ने से देश के लोगों की उन्नति होती है, और अगर देश के लोगों की उन्नति हो रही है मतलब लोग खुश है। तो एक सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं, देश के जीडीपी और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को हम कंपेयर करके देखते हैं। तो जीडीपी के हिसाब से टॉप पर है अमेरिका, फिर चाइना, जापान, जर्मनी और पांचवें पोजीशन पर है इंडिया। अब देखते हैं इन देशों का हैप्पीनेस रेटिंग क्या है। अमेरिका है 19th पोजीशन पर, चाइना है 93rd पोजीशन पर, जापान 58th पोजीशन, जर्मनी है 17th पोजीशन पर और इंडिया है 140th पोजीशन पर। अब उल्टा करके देखते हैं, हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर है फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और नेदरलैंड्स। अब इनका जीडीपी रैंकिंग क्या देखते हैं। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग के हिसाब से फिनलैंड है 44th पोजीशन पर, डेनमार्क 38th, नॉर्वे 30th, आइसलैंड 108th और नेदरलैंड्स है 17th पोजीशन पर। इकोनॉमी और खुशी में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इक्वालिटी और खुशी में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस देश के डेवलपमेंट पॉलिसीज उस देश के अमीर और गरीबों के बीच का अंतर कम करने के बजाय और बढ़ाता है, उस देश के लोगों की उन्नति कैसे होगी, उस देश के लोग खुश कैसे रहेंगे। फिनलैंड के लोग खुश है क्योंकि उस देश के पॉलिसीज उनके हित में बनते हैं। फिनलैंड के लोगों के एटीट्यूड और बिलीव्स उनके वेलफेयर पॉलिसीज में दिखता है, और ये एटीट्यूड के पीछे है उनका एडुकेशन। और फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ अमीर और गरीब दोनों ही एक साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। वहाँ गांव और शहर के स्कूल्स में कोई फ़र्क नहीं है, पूरे देश में सभी स्कूल्स का क्वालिटी सेम रहता है। फिनलैंड और कुछ देशों में यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है। Well, I think the thing is that here's education is really seen as something that's really a public good, and the issue is once you start charging foreign students for education, you automatically open up the idea that you can charge everyone, and as soon as anyone starts paying tuition, the entire idea of free university for everyone is under threat. That changes the nature of school being a public good. जब स्लोवेनिया के गवर्नमेंट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फीस लागू करने का पॉलिसी पास कर रहे थे, तब वहाँ के स्टूडेंट्स रास्ते पर उतर आए उस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। We organized a protest against that law. We spent 9 months meeting with the Minister for Education, with the heads of the universities. We managed to delay the law for long enough for the government to eventually collapse. Wait a minute. An organization that's got 40 to 50 active members. Yes. And you helped to bring down the government. That's right. And force a new election. That's right. That's amazing. That's an amazing story. इस तरह का सोच, अपब्रिंगिंग के पीछे उनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। तो उनका एजुकेशन में क्या अलग है? They do not have homework. We try to teach them everything that they need so that they could actually use their brain as well as they can, including PE, including arts, including music, anything that can actually make brain work better. The children need to be baking, they should be singing, they should be doing art and going on nature walks and doing all these things, because there's this very short time that they're allowed to be children. We try to teach them to be happy person, to be respect others and respect yourself. You're concerned with their happiness? Oh yeah. What the hell do you teach? I teach math. The math teacher says the first thing out of your mouth of what you wanted
these students to get out of school was to be happy, have a happy life. Yep. And you're the math teacher. Yeah. बहुत ही interesting film है, अगर chance मिलता है तो miss मत करिए. तो happiness brain washing का एक बहुत बड़ा example 1960s में आपको देखने मिलेगा. पहले आप उस समय का एक विज्ञापन देख लीजिए. तो आप सब तो जानते ही हो कि 1960s एक ऐसा समय था जब लोग जल्दी से किसी चीज़ को फेंकते नहीं थे. तब तक तो एकदम ही नहीं जब तक वो पूरी तरह से ख़राब ना हो जाए. तो अगर आपको इन लोगों के बीच बिजनेस करना हो तो मुनाफा कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. और इस मुनाफा के लालच में सिंगल यूज़ प्लास्टिक लॉन्च हुआ. ये जो चीज़ उनको बेच रहे थे ये शायद इसके पहले किसी और ने नहीं बेचा उनको. ये आराम बेच रहे थे, आलस बेच रहे थे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बेच रहे थे. ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ग्लास, बाउल, स्पून्स के वजह से जो टाइम उनको किचन में बिताना पड़ता था बर्तन को धोने के लिए वो टाइम बच रहा था. लेकिन तभी के लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो फेंके जाने वाले चीज़ें हैं ये हमारे धरती का एक बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेगा. जहाँ पे ये डंप साइट्स बने हुए हैं यहाँ पे पहले मैंग्रोव्स हुआ करते थे. सो वी हैव डिस्ट्रॉयड दोज मैंग्रोव्स. वो फॉरेस्ट था, वो पूरा फॉरेस्ट हमने डिस्ट्रॉय करके वेस्ट के लिए जगह बना दी है. सो फॉर एग्जाम्पल मुलुंड डंप साइट इज ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट 65 एकर्स ऑफ लैंड. देवनार डंप साइट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 326 एकर ऑफ लैंड. सो ये सारी लैंड हमने डिस्ट्रॉय कर दिए. सो वी हैव डिस्ट्रॉयड लैंड, वी हैव डिस्ट्रॉयड द एयर एंड ऑल्सो द वाटर. यू नो वाटर भी कंटेमिनेट हो गया. पुणे में हमने कुछ फिजिबिलिटी स्टडी की थी. सो वहाँ पे एक फुरसुंगी करके डंप साइट है. सो डंप साइट के बाजू में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे जो वेल्स हैं वहाँ पे लिटरली ब्लैक वाटर है. अभी एंटायर वाटर सिस्टम हैज़ बीन डेसिमेटेड और वो पूरा कंटेमिनेट हो चुका है. पानी पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते. और धीरे धीरे ये यूज एंड थ्रो कल्चर हमारे ज़िंदगी के बाकी सारे चीज़ों में भी फैलने लग गए. कपड़े खरीदते थे, एक दो बार पहनते थे और फेंक देते थे, फिर नए कपड़े. फर्नीचर ख़राब नहीं हुआ फिर भी पूरे घर का इंटीरियर बार बार बदलने लग गए. घर बदलने लग गए, शहर बदलने लग गए. जो कुछ बदल सकते थे सब कुछ बदलने लग गए, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं थे. कैसे होंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें खुश रखने के लिए नहीं बनाई गई थी. विक्रम और बेताल की तरह ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा. किसी चीज़ के ख़रीदने के कुछ समय बाद ही कोई और चीज़ हमें इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा. अगर चीज़ों से खुशी मिलती तब गरीब तो कभी खुश नहीं होते और अमीरों को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए था. जो लोग इस चीज़ को समझ गए वो कम चीज़ों को ख़रीदने लगे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें खरीदने लग गए. सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत लोगों ने कम कर दिया और कंपनीज तक इस लाइफस्टाइल चेंज के बारे में खबर पहुंचने लग गए और उन पर दबाव पड़ने लग गया इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने का. मैकडॉनल्ड्स पेपर कप्स और कॉर्नस्टार्च से बने स्ट्रॉस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वेस्ट और साउथ इंडिया में. जापान में किटकैट पेपर पैकेजिंग में आना शुरू हुआ है. बर्गर किंग यूके बच्चों के मील्स के साथ फ्री प्लास्टिक खिलौना देना बंद कर रहे हैं. कोका कोला प्लास्टिक श्रिंक रैप को कार्डबोर्ड से बदल रहे हैं. आदिदास समुंदर से मिले प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके नए शूज़ बना रहे हैं और ये अच्छे से बिक भी रहे हैं. अमेज़न ने इंडिया में सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग को पेपर से बदलने का डिसीजन लिया है. चॉइस हमारे हाथ में है, हम जो भी चॉइस करेंगे कंपनीज को समझ आता है.